आज भैया आ रहे, उठा ले। हाँ हाँ हमारे साथ ही भैया। ठीक है मैं आ रहा हूँ। कहाँ गया बेंचूत? कभी कभी सरकारी नौकरी वालों को इज्जत और लौकी के साथ साथ बंदूक भी मिल जाती है। इस बंदूक के नीचे आने के लिए एसी की नौकरी, कॉलेज की मस्ती, अपना मेंटल हेल्थ और भी क्या क्या कुर्बान किया है मैंने। 2, 3, 4। दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ रहा हूं। अबे दिक्कत क्या है तेरी? एंगर, गुस्सा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक लड़की के साथ डांस करते हुए। ओके बेबी, निकल जाऊं मैं बाहर? ए तू जा रहे? कम 1। बेटा निखिल, एक बार मुझे आईएएस बन जाने दे, उसके बाद मैं तेरे से इंतकाम लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल लेना यार, मुझे ऋतिक रोशन को डांस सिखाते हुए देखकर, और मुझे तन्वी के साथ डांस करते हुए। बैचलर ऑफ आर्ट्स एक ऐसी डिग्री जो कुछ बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए करते हैं, कुछ अपने होम टाउन में रह जाने के लिए, कुछ लड़कियां ज्यादा होती हैं इसलिए, और बाकी क्यों करते हैं वो उन्हें भी नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊं। फिलहाल कॉलेज में फेयरवेल का टाइम चल रहा है और सारे लोग मेमोरीज बनाने में लगे, पर कुछ मेरे जैसे भी हैं जो बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेमोराइज करने में लगे हैं। सॉरी यार अज्जू, सॉरी। अरे फिर से जीएस भाई, और भी सब्जेक्ट पढ़ लिया कर। अरे तू भी कभी जीएस तो पढ़ लिया कर। अरे ये सौरभ है, अपने शहर का लौंडा है। हेलो भाई। हेलो भैया। सॉरी भैया, वो जो गोपालगंज वाले पाठक सर थे ना, इसने वहीं से ट्यूशन लिया। क्या बात है भैया, बहुत सुना है आपके बारे में। अरे वाह भाई, हमारे शहर के हो तो एक सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है सॉरी भैया लड़कियां। अरे भाई तन्वी काली साड़ी पहन के आई है। भाई तन्वी, अब तन्वी चाहे काली साड़ी पहन के आए या बिना साड़ी के आए, हमें क्या मतलब है यार, हमें फोकस्ड रहना, फोकस्ड। ऑल द बेस्ट अचीवर। थैंक यू भैया। सुन सीधा क्लास में जाइए। और क्या हाल चाल तुम दोनों? विशाल भाई, पटवारी एग्जाम की ट्यूशन देने लगे क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा ही है यार। तुम दोनों को नहीं पता क्या, इस साल पटवारी की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, और देख मेरा तो टारगेट ही यार यही है। भाई टेक्निकली आप हमारे सीनियर हो, अच्छा थोड़ी लगेगा जूनियर्स को सलाम ठोकोगे। अजय जरूरी नहीं कि हर किसी को यूपीएससी ही फोड़ना हो, मेरा शुरू से टारगेट पटवारी है तो इसी में फोकस हूँ मैं। अरे पर विशाल भाई, वो मोहब्बत ही क्या जो इतनी आसानी से मिल जाए। क्या बात है। अरे विशाल भाई आप ये किताब पढ़ो और सीखो कि सोच कैसे बड़ी करनी है, जिंदगी तभी बेहतर होगी। ठीक है पढ़ता हूँ। चल भाई हम अपना लेक्चर लेते हैं। अरे यार अभी तो आया हूँ मैं, ये वाला जरूरी है, अटेंडेंस कम हो जाएगी। चलो कॉलेज के बाद मिलते हैं। ओके विशाल भाई, किताब रखिएगा। विशाल भाई याद रखूंगा, सोच बड़ी करनी है हमें, आईएएस बन जाएंगे भाई। जब आईएएस बनने का मादा नहीं है तो ये क्यों बोल रहा है कि नहीं मुझे पटवारी ही टारगेट करना है? छोड़ना यार। और तू क्या शायरी पढ़ रहा था भाई? अरे अजय पार्टी में आ रहे हो ना?
अज्जू हाँ मम्मी खाना खा लिया बेटा? हाँ खा लिया। वो ना आज तेरे त्रिलोक चाचा आए हुए थे, तुम तो जानते ही हो ताना मारने में नहीं चूकते वो, तो तेरे पापा ने भी कह दिया कि हमारा अज्जू भी ना आईएएस की तैयारी कर रहा है, फिर कुछ नहीं बोले वो। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा, हाँ बाकी तो तू खुद ही समझदार है। अजय तेरे पापा वाली घड़ी कहाँ है? अबे अभिजीत बस साले सारा आज ही आगेगा क्या? स्टेज पे आग लगानी है यार, जल्दी आ। अजय तू भी चल लेना यार, मतलब देख ले यार, कुछ ही घंटों की बात है। भाई यूपीएससी में एक एक मिनट से रैंक इधर की उधर हो जाती है, पार्टी तो मैं फिर कभी कर लूंगा। भाई फिर कभी हम 21 के नहीं होंगे ना? भाई फिर कभी आईएएस की तैयारी का वक्त भी नहीं आएगा ना। तू तू लगा रहे साले, मैं जा रहा हूं। क्या हो गया? तू मेरा ब्लेजर पहन, पहने से कैसा हो रहा फिट? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। देखा तन्वी, क्या सारी लड़कियां तुझ पे मरेंगी, तू फालतू में रो रहा था यार, बटन लगा। पर भाई तू श्योर है ना तू पार्टी में नहीं जाएगा? तो बैठ यहां। हाँ मैं श्योर हूं। और पता है मैं इतना श्योर क्यों हूं? क्योंकि पिछले 3 सालों से मैंने वो हर चीज अवॉइड की है जो मेरे और यूपीएससी के बीच आ सकती है, लड़कियां पटाना, पार्टियों में जाना, यहां तक कि प्लेसमेंट में बैठना। क्योंकि अगर मैं ये सब करता और मान ले मैं 1 नंबर या 2 नंबर से आईएएस में रह जाता, मैं खुद को नहीं फेस कर पाऊंगा, गिल्ट से मर जाऊंगा, फिर मैं अपने दोस्तों को ब्लेम करूंगा। मैं चाहता हूं तुमसे 10 साल बाद भी मिलूं तो आज ही की तरह मिलूं। और इन पार्टियों का क्या है यार, एक बार आईएएस निकल जाए उसके बाद जी भर के पार्टियां करेंगे, दबा के दारू पिएंगे। तू जा जा। कभी लॉन्ग जंप देखी है? हमारे दिमाग में हम क्रिस जितनी लॉन्ग जंप इमेजिन करते हैं, लेकिन जब हम जंप लगाते हैं तब हमें औंधे मुंह गिरकर अपनी औकात पता चलती है। मुझे यूपीएससी 2 बार मेरी औकात दिखा चुकी है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे आज कम से कम कलेक्टर तो होना ही चाहिए था, लेकिन मैं
मैं अब अपने तीसरे जंप की तैयारी कर रहा हूं। आज इसका बर्थडे? बर्थडे नहीं है भाई, इंटरव्यू निकल गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। इसके सुपर सीनियर है यार हम। कैसा लगता होगा जब इतनी आसानी से इतनी बड़ी चीज मिल जाए? यार जो तू अब भी यही सोच रहा है, बस उसके पापा को देख। छोड़ो यार, पढ़ो भाई पढ़ो, शाम को साथ में रिवाइज कर लेंगे। कांग्रेचुलेशंस मैन। मिल गया अंकल, थैंक यू। अरे भाई लड्डू। छोले पूरी रायता और पनीर की सब्जी रख दी तो समझो मजा ही आ जाएगा। मीठे में गुलाब जामुन रख लेंगे। अजय तू ही समझाना पापा को, रिटायरमेंट बार बार थोड़ी ना आता है, छोटे से फंक्शन के लिए तो कह रही हूँ मैं। अरे छोटा सा भी फंक्शन करा तो कम से कम 50-60 हजार रुपए कहीं नहीं गए? नहीं तो सबको नहीं बुलाते हैं ना, ऑफिस ऑफिस वालों का कर लेते हैं बस। वो पटेल साहब वो भी तो आप ही की तरह कंपनी में थे, कितना बढ़िया फंक्शन किया था उन्होंने। ले। तुम जानती तो हो कि समाज को नहीं बुलाया तो 17 जगह जाके बातें करेंगे। पटेल साहब का क्या है, उसके दोनों बेटे बेंगलोर में सेटल्ड हैं। एक बार मेरे अजय का पेपर निकल जाए उसके बाद हम भी करेंगे जगराता। हाँ सही तो कह रहे हैं पापा, इतना खर्च करने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया चिकन बनाया तुमने, ये लेग पीस इसी को दो। वाह तुम भी खा लो। मुझे नहीं खाना। मम्मी सही में बहुत बढ़िया चिकन बनाई है, खा लो तुम भी। मानना ही नहीं होता कभी कुछ। भाई पहली बार डर लग रहा है यार, कल पापा की रिटायरमेंट है, अब घर में एक नौकरी की सख्त जरूरत होगी। अरे डर मत यार, लग जाएगी अपनी भी नौकरी। अच्छा सुन, कल फिर मैं भी नहीं जा रहा लाइब्रेरी। क्यों? नहीं वो तेरे पापा की तो रिटायरमेंट है ना, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। नहीं जा रहा यार, ना पापा ने बोला कि आ जा, ना मैंने ऑफर किया। दोनों को पता है यार कि मैं जाऊंगा तो लोग सवाल पूछेंगे नौकरी क्यों नहीं लगी, कब तक चलेगा। आखिरी दिन भी मूड नहीं खराब करना चाहता यार। गुप्ता जी, यू लुक आर्ट, एक छोटा सा फंक्शन है,
सरस्वती मंदिर में। संडे इसलिए रखा है ताकि कोई बहाना ना बना सके। आएंगे, पक्का आएंगे। आऊंगा नहीं, पूरे परिवार के साथ आना होगा। चलिए बाकी कमरे बंद करता हूँ। एक सैंतीस साल मुझे हो गए, 30 साल तुझे हो गए। याद है पहले 3 महीने में हम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। यादव तेरी टिफिन की भिंडी बड़ी याद आई। कभी आ जाना यार घर। अरे गुप्ता जी आ जाओ, छोड़ देंगे। अरे बेटे ने नई गाड़ी खरीदी है। नमस्ते अंकल जी। नहीं आज आखिरी दिन है ना, वैसे ही जाना चाहता हूँ जैसे 30 साल से जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, संडे मिलते, पक्का आना है। चलो तेरे पापा भी सुनते नहीं है, घर पे भी पार्टी तो करनी चाहिए थी। अरे क्या हो गया, खर्चा ही होगा। ठीक है नहीं इतना बड़ा खर्चा भी नहीं था। एक तो रह कहाँ गए पता नहीं, अभी तक नहीं आए। कॉल करता हूँ मैं। हाँ पूछ जरा। आ गए बाबाई। कैसी रही रिटायरमेंट की पार्टी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इतनी इज्जत दी सबने, मालाएं पहनाई, सबका इतना अपनापन देखकर बड़ा अच्छा लगा। और अजय तेरे को सब लोगों ने मिस किया है, सब तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कहते थे बड़ा मेहनती बच्चा है। और देखो आज भी अजय पढ़ रहा है। अरे कहाँ है बेटा? अरे? गया। अरे पापा यहाँ पे भी तो केक कटेगा एक। अरे वाह बेटा कमाल है। बड़ी ना सही, छोटी सी पार्टी तो कर लें। इसको भी जला देते हैं। उसके बाद ये ऐसे अब मैं फूंक मारूंगा। 1 2 अब मैं केक काटूंगा। बस यही सच्चाई है हर मिडिल क्लास आदमी की, पूरा दिन दुनिया की ठोकर सह के हंसते हुए घर आना, अपने परिवार को हर दुख से दूर रखने की कोशिश करना। सब लगे हैं इन्हीं कोशिशों में। जो कामयाब हो जाते हैं वो काबिल कहलाते हैं, और जो नहीं हो पाते उन्हें समाज निकम्मा बेटा बता देता है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाला मैं आज थोड़ा नर्वस था। प्रीलिम्स हो ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक डर था, इस बार नहीं हुआ तो।
पापा के रिटायरमेंट के बाद अब ये आईएएस की नौकरी सपना नहीं, एक ज़रूरत बन चुकी थी। इस साल घर से एक नौकरी जा चुकी थी, दोस्तों के प्रमोशंस होने लगे थे, अब मेरी नौकरी का होना बहुत ज़रूरी हो चुका था। हे गाइस, यार फोटोज देखना बंद कर यार। फेयरवेल की फोटोज। लेकिन इसमें अजय नहीं है, और अब तो अजय के लिए पेपर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि उसके पापा का रिटायरमेंट भी हो गया है। हाँ यार, पर मुझे नहीं लगता कि अजय पेपर निकाल पाएगा, तुझे क्या लगता है? यार मुझे लगता है पेपर निकाल लेगा, आपको क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और हम लोगों ने एम करा है 40,000 लाइक्स का, इतना तो कम ऑन गाइस, इतना तो कर ही सकता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा कि सबसे बेस्ट पार्ट आपको वीडियो का क्या लगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।